ओके सो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि फिट फाट हो गए। बात कर लीजिए इस वाले मैच की। तो मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये वाले मैच में क्या होने वाला है। लाइव स्ट्रीम पे थे हम फेसबुक पे, और हमारे मैच में आते हैं एफ बी जिनास और उसके साथ साथ ओरियो ओपी भाई। वो दोनों अलग खेल रहे थे, मैं अलग खेल रहा था। मुझे जिनास ज़रा सा भी नहीं जानता, मैं उसको थोड़ा सा जानता हूँ। कॉम्पिटिटिव में हमारी फ़ाइट हुई थी, फट्टे भी हुए थे। और ओरियो भाई के साथ दूसरी दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम उनको मार रहे हैं। इस दफ़ा तो नॉक फिनिश किया था, पिछली दफ़ा बात की थी। इस दफ़ा ज़रा सिचुएशन ही ऐसी थी, और हमारी यहाँ पर लैंडिंग हमारे सोना भाई ने हक दी थी, जिसकी वजह से हम उतरते ही मर जाते हैं। उसके बाद हम मिनते मुनते करा के रिकॉल लेते हैं, और रिकॉल करने के बाद हम लोग फिर जिनास भाई लाइव स्ट्रीम को स्नाइप करते हैं, मतलब स्ट्रीम स्नाइप करते हैं और जिनास भाई से फाइट लेते हैं। ड्यूरिंग द स्ट्रीम मुझे ज़रा सा भी नहीं पता था कि ओरियो भाई भी मैच में, और ये बाद में मुझे पता चला कि ओरियो भाई भी मैच में थे। और एफ बी जिनास भाई की तो किल मैसेज इनने आ रहे थे भाई, इनने बंदे पे रहे थे 10-12 किल्स तो इन्होंने स्टेजन टाउन में कर दिए थे। तो इनका पता चल गया था कि एफ बी जिनास भाई भी आए हुए हैं, तो इनकी हम लोग लाइव स्ट्रीम लगाते हैं, हम पता करते हैं कि ये कहाँ हैं। रिकॉल होने के बाद हम सीधा इनके पास चले जाते हैं पुंचिंगी में। जिनास भाई मैंने आपको अगर मार दिया ना तो आपकी तरफ से मुझे एक शाउट आउट चर्च पे जाने दे। मार्क द लोकेशन, स्ट्रीम स्नाइप करके फाइट लेंगे हम लोग। ये हमें बस इतना पता होता है कि जिनास भाई पुचिंकी में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती, क्योंकि स्ट्रीम भी डिले होती है और साथ में मैं अपनी गेम भी खेल रहा था और अपनी चैट भी पढ़ रहा था, तो कोई इतना आइडिया नहीं होता। फेयर फाइट होती है और नो हेट वाला सीन है। वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर लाजमी से कर देना, भाइयों तक वीडियो पहुंचानी है दोबारा से। ओरियो भाई का तो जरा भी आइडिया नहीं था कि ओरियो भाई में मैच में जरा सा भी नहीं था, और ओरियो भाई की इतनी गंदे वाली बदवा लगती है हमें कि हमारा फोन भी स्टक हो जाता है। अब बस उसका वेट करना जब ओरियो भाई ने हमें बदवा दी और हमारा फोन स्टक हो गया। मेरा दिन बहुत बुरा जा रहा था और उसके बाद ये वाला मैच मिल गया, और इस मैच में मुझे कंटेंट दिख रहा था तो नॉक फिनिश तो बनता था, और यहाँ पे मीटअप पॉसिबल भी नहीं था जो कि इतने ज़्यादा बंदे जो थे। अब यहाँ पे बारी आने वाली है ओरियो भाई की, आप ज़रा वो देखो। ओरियो बेचारा मेरे तक चढ़े ही, वे 0 FPS मेरा 0 FPS, fuck no, ये मेरा 0 FPS, fuck सीन, ठीक हो जा भाई। एज ही से और एज यू नोटिस के ओरियो भाई को मारने के बाद हमारा फोन बिल्कुल डेड हो गया था। इतनी गंदी बदवा ओरियो भाई की, ओ माय गॉड। गेम प्ले बिल्कुल भी जज नहीं करना है इस वाले वीडियो से, क्योंकि डिवाइस डेड हो गई थी और मुझे कंटेंट दिख रहा था, मैं कंटेंट का भूखा था, तो इसलिए जिनास भाई से भी फाइट लेते बट डिवाइस साथ नहीं दे रही थी और यहाँ पे काफी सारे बंदे थे तो कोई समझ भी नहीं आ रहा था। अब बारी आने वाली है जिनास भाई की, जिसको हमारे टीममेट मारते हैं, तो उन तक वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर लाजमी से कर देना, क्योंकि भाइयों तक वीडियो पहुंचानी ही पहुंचानी है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सी आया। तो ये ओरियो तो एक टीममेट है, ये भी लेफ्ट है। Fine. Yeah. And shoot. ये पूरा स्क्वाड ये पता नहीं किधर से आ गया। मुझे तो लगता है कि स्ट्रीम स्नाइप कर ही आई है।